की प्रचार्य जी अध्यापक को अध्यापकावर माँ शारदा के पवित्र आंचल में विराजमान मेरे छोटे बड़े भाइयों तथा बहनों, मैं रोहित डटवालिया स्वतंत्रता दिवस के ऊपर अपने कुछ विचार व्यक्त करने जा रहा हूँ। मैं आप सभी से यही आशा करता हूँ कि आप सभी मेरी कही बातों को ध्यान पूर्वक सुनेंगे और उन पर अमल भी करेंगे। इस महान राष्ट्रीय अवसर को मनाने के लिए आज हम लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं। मैं आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक बधाई देता हूँ। जैसा कि हम जानते हैं कि स्वतंत्रता दिवस हम सभी के लिए मंगल अवसर है। हम सब इस दिन को इसलिए मनाते हैं क्योंकि 15 अगस्त 1947 को ही हमारा देश आजाद हुआ था और ब्रिटिश राज्य से हमें मुक्ति मिली थी। आज हम यहाँ 71वां स्वतंत्रता दिवस मनाने के लिए इकट्ठे हुए हैं। आज का दिन सभी भारतीय नागरिकों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है और यह इतिहास में सदा के लिए उल्लेखित हो चुका है। मोहब्बत का दूसरा नाम है मेरा देश, अनेकों में एकता का प्रतीक है मेरा देश। मोहब्बत का दूसरा नाम है मेरा देश, अनेकों में एकता का प्रतीक है मेरा देश। चंद गोरों की सुनता मुझे गवारा नहीं, हिंदू हो या मुस्लिम सभी का प्यारा है मेरा देश। चंद गोरों की सुनता मुझे गवारा नहीं, हिंदू हो या मुस्लिम सभी का प्यारा है मेरा देश। नई दिल्ली में स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भाषण दिया था जब पूरी दुनिया के लोग सो रहे थे ब्रिटिश शासन से जीवन और आजादी पाने के लिए भारत में लोग संघर्ष कर रहे थे। अब आजादी के बाद दुनिया में भारत का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। हमारा देश विविधता में एकता के लिए प्रसिद्ध है। भारतीय लोग हमेशा अपनी एकता से जवाब देने के लिए तैयार रहते हैं। कर कस्बे को बुलंद जवान, तेरे पीछे खड़ी आवाम। कर कस्बे को बुलंद जवान, तेरे पीछे खड़ी आवाम। हर पत्ते को मार गिराएंगे जो हमसे देश बंटवाएंगे। हर पत्ते को मार गिराएंगे जो हमसे देश बंटवाएंगे। बड़ी खुशी से हमारे पूरे देश में स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। यह सभी भारतीयों के लिए बेहद महत्वपूर्ण दिन है क्योंकि यह दिन हमें मौका देता है उन महान स्वतंत्रता सेनानियों को याद करने का जिन्होंने हमें शांतिपूर्ण और खूबसूरत जीवन देने के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी। आजादी के पहले लोगों को पढ़ने लिखने, अच्छा खाने और हमारी तरह सामान्य जीवन जीने की आज्ञा नहीं थी। अपने अत्यहीन आदेशों की पूर्ति के लिए अंग्रेजों द्वारा भारतीयों के साथ गुलामों से भी ज्यादा बुरा बर्ताव किया जाता था। भारत की आजादी के पहले दिन को याद करने के लिए हम हर साल 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाते हैं। साथ ही साथ उन सभी महान लोगों को याद करते हैं जिनके कठिन संघर्षों की वजह से हम अपनी आजादी का उपभोग करने लायक बने और अपनी इच्छा से खुली हवा में सांस ले सकते हैं। मोक्ष पाकर स्वर्ग में रखा क्या है, जीवन खुश तो मात्र भूमि की तरह पर है। मोक्ष पाकर स्वर्ग में रखा क्या है, जीवन खुश तो मात्र भूमि की तरह पर है। तिरंगा कफन बन जाए इस जन्म में तो इससे बड़ा धर्म क्या है। तिरंगा कफन बन जाए इस जन्म में तो इससे बड़ा धर्म क्या है। अंग्रेजों से आजादी पाना हमारे पूर्वजों के लिए बेहद असंभव कार्य था, लेकिन हमारे पूर्वजों ने लगातार प्रयास करके इसे प्राप्त कर लिया। हम उनके किए कार्यों को कभी नहीं भूल सकते और हमेशा उन्हें याद करते रहेंगे। केवल एक दिन में सभी स्वतंत्रता सेनानियों के कामों को हम याद नहीं कर सकते, लेकिन दिल से उन्हें सलामी जरूर दे सकते हैं। वो हमेशा हमारी यादों में रहेंगे और पूरे जीवन के लिए प्रेरणा का कार्य करेंगे। अंग्रेजों के बढ़ते अत्याचार और बंदूक में लगाए जाने वाले सुअर और गाय की चर्बी के कारतूसों के कारण स्वतंत्र
वंदना की शुरुआत 1850 में हो चुकी थी, जो मंगल पांडे ने अपने अफसर पर मेरठ में तोप चलाकर की थी। और उस क्रांति में झांसी की महारानी लक्ष्मी बाई, पेशवा बाजीराव के दत्तक पुत्र पेशवा नाना साहिब की और उनके सेवक कांचा टोपे तथा कई अन्य क्रांतिकारियों ने बढ़ चढ़ कर भाग लिया। हमारे कई नेताओं ने भी स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया। आज हम भारतीय इन सभी के बलिदानों को याद करने के लिए स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं, जिन्होंने देश की आजादी समृद्धि के लिए अपना जीवन दे दिया। भारत की आजादी मुमकिन हो सकी क्योंकि सहयोग, बलिदान और सभी भारतीयों की सहभागिता थी। हमें महत्व और सलामी देनी चाहिए उन सभी भारतीय नागरिकों को क्योंकि वो असली राष्ट्रीय हीरो थे। आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। आशा करते हैं कि हमारा देश हर साल हर क्षेत्र में विकास करता रहेगा और पूरे देश को हम सभी पर गर्व होगा। कुछ नसीब है जो वतन पर कुर्बान हुए, जो तिरंगे में लिपट कर जिंदगी से आजाद हुए। कुछ नसीब है जो वतन पर कुर्बान हुए, जो तिरंगे में लिपट कर जिंदगी से आजाद हुए। मर कर भी अमर हो गए वो, साधारण मनुष्य से शहीद की शहादत हो गए वो। मर कर भी अमर हो गए वो, साधारण मनुष्य से शहीद की शहादत हो गए वो। इन्हीं शब्दों के साथ धन्यवाद। थैंक यू। Thank you.